में ज्वाइन कर ली कोलकाता से। एजाज बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज क्या इत्तिलात हैं श्रीलंका की इस परफॉर्मेंस के बाद, मोराल कैसा है, क्या सुनने को मिल रहा है वहां पर? देखिए मैं तो यहाँ कोलकाता में मौजूद हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना ट्रेनिंग सेशन करने के लिए आ रही है, लेकिन अभी मैंने कोलकाता को चेक किया है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। स्टेडियम के अराउंड जो एरिया है एमजे रोड, वहाँ पर बारिश की इत्तला है, लेकिन स्टेडियम के आसपास जो एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। सो अब तो गेम ओवर लग रही है, क्योंकि 150 रन का टारगेट और वो भी इस छोटी सी विकेट के ऊपर, जहाँ पर ग्राउंड भी छोटा है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हम सबके सामने 400 रन स्कोर किया हुआ है। तो श्रीलंकन टीम को ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के अंदर जो परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने वैसे ही परफॉर्म करना था। हम पाकिस्तानी कुदरत के निजाम का वेट कर रहे थे कि शायद श्रीलंका कुछ मजाहमत करेगा या मौसम की मदद करेगा, तो ना मौसम ने मदद की है और ना ही श्रीलंका ने कोई मदद की है। आप आखिरी इनिंग्स है ये 20-25 ओवर के अंदर वो टारगेट चेस कर देंगे और पाकिस्तान के लिए फिर रन रेट इतना बन जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को हरा के पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट तो हो जाएंगे। एजाज ऐसा लग रहा है कि 300-400 रन के मार्जिन से जीतना होगा इंग्लैंड के खिलाफ मैच अभी, क्योंकि जब तक न्यूजीलैंड ये टारगेट चेस नहीं करता, उनके कितने विकेट गिरते हैं, कितने ओवर में पूरा करते हैं, उसके बाद जाके एक्चुअल रन रेट सामने आएगा कि पाकिस्तान को क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो अब तक मुझे पता चला है वो ये है कि 6 ओवर के अंदर यानी 36 गेंदों पर 120 रन का फर्क होगा, कि आपको हर 36 गेंदों के अंदर 120 रन बनाने पड़ेंगे, उस एवरेज से जाकर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रन रेट को क्रॉस कर सकता है। अच्छा एजाज इत्तिलात क्या है मैच में, क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, शादाब खान के हवाले से क्या इत्तिलात है? देखिए पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगा और प्रॉब्ली चांसेस हैं कि शादाब ही खेलेंगे, क्योंकि शादाब ने कल यहाँ 5 ओवर किए थे और आज पाकिस्तान का इवनिंग ट्रेनिंग सेशन है और टीम अगले 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाली है। पाकिस्तान ने यहाँ लोकल इंडिया के टाइम के ऊपर 6 से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेनिंग करनी है और कल टीम सिर्फ ऑप्शनल ट्रेनिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाकी एक तब्दीली मुतवक्के है कि हारिस रूफ को या हसन अली के भी चांसेस है, उनको भी बिठाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।